चलिए बाबू, एपी जीपीएचपी का आज 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। आर एस अग्रवाल थ्री राइटर। हम लोग जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं उसके लिए आपको आर एस अग्रवाल थ्री राइटर को पहले रखना पड़ेगा साथ में, तभी बना पाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन हम इसमें नहीं लिख पाते हैं और इसीलिए एक एक क्वेश्चन थ्री राइटर से बना रहे हैं कि ताकि कोई परेशानी ना हो स्टूडेंट को, न्यू स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी हम लोग का एक क्वेश्चन है 21 नंबर में, एक के स्क्वायर प्लस दो के स्क्वायर प्लस तीन एक्स तक दिया था, तो पूछ रहा था कि एक के क्यू, एक के स्क्वायर, दो के स्क्वायर, एक के, तीन के और पाँच का, 19 तक पूछ रहा। तो इसके लिए बाबू सिंपल तरीका है कि एक के स्क्वायर प्लस दो के स्क्वायर प्लस तीन के स्क्वायर ऐसे लेते हुए 19 के स्क्वायर तक जाइए बाबू, और उसमें से घटा दीजिए किसको, तो दो के स्क्वायर जोड़ चार के स्क्वायर जोड़ छः के स्क्वायर, टोटल 18 तक के स्क्वायर घटाना पड़ेगा बाबू, 18 तक के स्क्वायर दिख रहा होगा। अब हुआ क्या कि 1 से 19 तक के स्क्वायरिंग का योग निकालेंगे और उनमें से 2, 4, 6, 8 सब सम वाला हटा देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा बाबू, तो हमारा बच जाएगा 19 तक का, एक 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 से लेके 19 तक किए हैं, 18 तक घटा रहे हैं। तो ये देखिए, एन प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग बराबर होता है एन इंटू, तो यहाँ से यहाँ तक 19 इंटू एन प्लस वन, 19 एक 20, टू एन प्लस वन, तो 19 दुनिया 38 एक 39 बटा दो, अब माइनस इसको में हमको दो के स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, दो के स्क्वायर कॉमन यानी चार कॉमन, तब क्या बच जाएगा, एक के स्क्वायर, दो के स्क्वायर, नौ के स्क्वायर तक, यानी नौ के स्क्वायर तक, तो हो जाएगा नौ इंटू एन प्लस वन, नौ एक 10 इंटू नौ दुनिया 18 एक 19 बटा 6 होता है बाबू, 6 होता है। लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग में आपका 6 होता है बटा में। तो देखिए, तीन तीय नौ आ 13 तीय 39, तीन दूनी 6 आ दो से 10 मरतबे, आई देखिए तीन तीय नौ, तीन दूनी 6 आ दो पचे 10। अभी सबको हम लोग गुना करेंगे तो 13 19 13 गुना करेंगे बाबू। तो देखिए बाबू, जब इसको गुना किए 24 70, अब इसको गुना किए तो आपको मिल जाएगा 19 57 दूनी, तो 1140 मिल जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 1330। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सब कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन है बाबू, एक समांतर श्रेणी के 6वें पद और 15वें पदों के योग इस श्रेणी के 7वें, 10वें और 12वें पद के योग के बराबर हो तो इस समानांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। क्वेश्चन है बाबू कि किसी श्रेणी का 6वां पद यानी T6 प्लस 6वें और 15वें पदों का योग, T15 का योग किसके बराबर है, तो कह रहा है कि 7, 10 और 12 के बराबर है। T7 प्लस T10 प्लस T12 के बराबर है, 7, 10, 12 के योग के बराबर है, तो इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। तो कह रहा है बताइए, ये जो श्रेणी है इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले तो इस श्रृंखला निकालना पड़ेगा, तो इसका मतलब होता है बाबू 6वां पद का मतलब a प्लस एन माइनस वन यानी 5d। आप लोग को श्रृंखला सिखा रहे थे कि पहला पद यदि a है तो दूसरका पद a प्लस डी हो रहा था, तीसरका पद a प्लस 2d हो रहा था। तो उसी तरह से अगर कोई श्रृंखला होगा तो पहला पद a होगा तो छठा पद कितना हो जाएगा a प्लस 5d, ये कितना हो जाएगा a प्लस 14d बराबर, ये कितना होगा बाबू a प्लस 6d प्लस a प्लस 9d प्लस
ए प्लस ग्यारह डी। अब ए ए जोड़ेंगे तो टू ए प्लस पंद्रह चार उन्नीस डी बराबर थ्री ए प्लस ग्यारह नौ बीस छब्बीस। अब देखिए बाबू, जब ये दोनों को हम उन्ने ले जाएंगे तो ए प्लस सेवन डी बराबर जीरो। तो आप लोग जानते हैं बाबू कि ए प्लस एन माइनस वन यानी एन माइनस वन यानी आठ माइनस एक तब होगा सात डी बराबर जीरो। तो यही तो डिनोट करता है कि केमा पद है। तो टी एन बराबर का हो गया, तो एन टी एन बराबर यानी कि टी एट है, और एट का मतलब आठवां पद। देखिए बाबू, आपसे पूछ रहा था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो ए प्लस सेवन डी शून्य होगा। तो जब छठा पद को आप लिख रहे थे ए प्लस फाइव डी, तो ए प्लस सेवन डी किसको लिखिएगा, ये तो ऐसे भी समझना चाहिए कि ए प्लस सेवन डी किसको लिखेंगे। जब लिखेंगे तो आठवां पद को लिखने का तरीका है। किसी समानांतर श्रेणी का चौथा पद, चौथा पद चौदह है, बारहवां पद सत्तर है। तो किसी समानांतर श्रेणी का चौथा पद कैसे लिखिएगा बाबू, सिखाए हैं। पहला पद ए, तो दूसरा पद ए प्लस डी, तो चौथा पद ए प्लस थ्री डी बराबर कितना दिए हुए हैं बाबू, तो दिए हुए हैं चौदह। फिर कह रहा है कि बारहवां पद सत्तर है, तो बारहवां पद का मतलब ए प्लस ग्यारह डी बराबर सत्तर। तब आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद का मतलब ये पूछ रहा है। तो पहले हम डी निकाल लेते हैं। देखिए ये तो आप लोग जानवे करते हैं, ये कट गया तो यहाँ बच गया बाबू आठ तीन ग्यारह माइनस एट डी बराबर छियासठ छप्पन 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 हो गया। अब ये देखिए माइनस है तो माइनस माइनस कट गया आठ सते छप्पन, तो डी बराबर जब सात हो गया बाबू, डी बराबर सात जब हो गया तो हमको अब यहाँ पर क्या निकालना है, ए का वैल्यू। तो सोचिए ए प्लस थ्री डी है, एकर मतलब ए प्लस डी के वैल्यू सात तो इक्कीस बराबर चौदह, इसका मतलब ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो इक्कीस होने जाके घटेगा तो माइनस सात। देखिए बाबू, क्वेश्चन है कि बहत्तर तिरसठ चौवन ऐसे होते हुए ये घटते घटते एक समय ऐसा आएगा कि जीरो पर चल जाएगा। तो कह रहा है कौन सा पद जीरो है, तो कौन सा पद जीरो है यानी कि जीरो अंतिम में है, क्लियर है कि अंतिम में जीरो है। पूछ रहा है कि केमा पद है, कौन सा पद ही है, यही आपसे पूछा जा रहा है बाबू कौन सा पद है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि ए बराबर तो क्लियर है कि बहत्तर देले है, अच्छा डिफरेंस भी आपका क्लियर किए हुए है। तो डिफरेंस देखिए तिरसठ में से बहत्तर घटाइएगा तो ये नौ माइनस में ना है बाबू, तो माइनस नौ है। उसके बाद ये भी आप जान रहे हैं कि एनवा पद कितना है जीरो, यानी लास्ट पद कितना है जीरो। अभी केमा पद है यही ना निकालना चाहते हैं कि कौन सा पद है। तो एक चीज हम बताए थे कि फर्स्ट वाला में से लास्ट वाला में से फर्स्ट को घटा दीजिए, टी एनवा पद, एनवा पद कौन है ये निकालने के लिए हम बताए थे कि फर्स्ट वाला लास्ट वाला में से फर्स्ट को घटा दीजिए, तो जीरो में से बहत्तर को घटा दीजिए। अच्छा उसके बाद बोले थे डिफरेंस से भागा दे दीजिए, तो माइनस नौ से भागा दे दीजिए, और जो आवेगा उसमें एक जोड़ दीजिए। देखिए बाबू कुछ नहीं किए हैं, इस सूत्र आप लोग जान रहे हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, बस इसी में एन बराबर निकाले हैं क्योंकि टी एनवा पद जीरो देले है। तो ये जब ऐसे एन आवेगा तो जीरो माइनस बहत्तर हो जाएगा, अब बटा डिफरेंस हो जाएगा, और एन निकालने के लिए माइनस वन है तो प्लस वन कर देना पड़ेगा। जीरो से जीरो नौ अठी बहत्तर आठ है एक, यानी नौवा पद होगा बाबू जीरो। आपका कौन सा पद होगा, नौवा पद बाबू। क्वेश्चन नंबर 25 है, 14 के स्क्वायर से लेकर 30 के स्क्वायर तक का योग निकालना है। तो देखिए इसको डायरेक्ट यहाँ से सूत्र नहीं होता है, आपको क्या करना होगा, एक के स्क्वायर से 30 के स्क्वायर तक निकाले पड़ेगा।
और उसमें से घटाना पड़ेगा एक के स्क्वायर से लेके 13 के स्क्वायर तक घटावे पड़ेगा बाबू, तब ना 1 से 30 तक निकाल लीजिए आ 1 से 13 तक घटा दीजिए तब बच जाएगा 14 से लेके 30 तक। तब इसको सूत्र है एन इंटू तो एन 30 इंटू एन प्लस 1 31 टू एन प्लस 1 61 बटे 6 माइनस। अभी देखिए एन 14 एन प्लस 1 15 एन प्लस 1 एन इंटू तो 13 है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n 13 दूनी 26 एक 27 बटा 6। ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे बाबू तो 6 5 30 यहाँ हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 में 27 3 2 6 7 2 14 अब गुना करेंगे, गुना करके इसको घटा देंगे बाबू। ठीक देखिए बाबू इसको जब गुना करेंगे 94 55 आएगा, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 819 और जब इसको घटावेंगे तो घटा के हमारा आएगा डी नंबर ऑप्शन 8636 बाबू, हमारा घटा के आ रहा है 8636। इस तरह से ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है, रियल में APGP का ही क्वेश्चन नहीं है। देखिए बाबू क्वेश्चन है 5 के Q 6 के Q ऐसी 10 के Q है तो इसको भी सेम वही प्रोसेस में लाएंगे, 1 के Q से 10 के Q तक के पहले निकाल लेंगे जोड़ और उसमें से घटा देंगे 1 के Q से 4 के Q तक को, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 से 4 के Q तक। अब देखिए इसका सूत्र था n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 के होल स्क्वायर, अब माइनस इसका भी सूत्र हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 के होल स्क्वायर। अब यहाँ n के जगह पर 10 लिखा गया, यहाँ n के जगह पर 4, तो इसका मतलब 10 × 11/2 के होल स्क्वायर तब 55 के स्क्वायर है बाबू। यहाँ पर हो गया 4 × 5/2 के होल स्क्वायर यानी 2 × 4। अब देखिए बाबू 11 × 55 तो इसका मतलब है 55 के स्क्वायरिंग होता है 30 25 और ये है 5 × 10 के स्क्वायरिंग होता है बाबू 100। अब जाएगा घटेगा तो 2925 आपका रिजल्ट हो जाएगा बाबू। देखिए बाबू क्वेश्चन दिया है एक समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग 258 है, तब 12 पद को यानी सम ऑफ 12 पद यानी 12 पदों का योग 258 है, प्रथम पद 4 दिया है, एक मतलब एन 12 दे ले है तो हमसे पूछ रहा है कि लास्ट पद क्या है, तो हम लोग जानते हैं बाबू योग बराबर हम लोग जानते हैं एन बाई 2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, हम लोग जानते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यही ना हम लोग जानते हैं योग बराबर एन इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट यानी एन गुना एवरेज यही ना है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 एन से गुना कर दिए। अभी एन के वैल्यू 258 देल है बाबू, एन के वैल्यू भी देल है कि 12 को श्रृंखला में संख्या है, फर्स्ट संख्या भी देल है बाबू 4, लास्ट वाला मालूम नहीं है तो एल से डिनोट कर दिए बटा 2, तो ये देखिए 6 मरतबे कट जाएगा 6 × 6 = 24 6 × 18 = 43 तो एल बराबर ये 4 एन आवेगा तो घट जाएगा तो 39 हो जाएगा बाबू, यानी लास्ट पद कितना था तो 39 पर। क्वेश्चन है बाबू कि एन प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, तो एन प्राकृत संख्या के घनों का औसत तो इस सूत्र है हम लोग तो इससे पहले मैथ बना रहे हैं तो यूजे किए हैं बटा 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, घनों वाला में होल स्क्वायर होता है वर्ग वाला में बटा 6 वाला होता है बाबू, क्लियर है तो आपका आंसर ये क्लियर हो गया बी नंबर। ठीक कहता है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पद का योग दिया हुआ है बाबू, तो 8 पद का योग निकालने के लिए हम उसका एवरेज भी निकाल सकते हैं, तो 8 पद का एवरेज क्या होगा तो ये यानी फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 8वां पद कितना होगा प्लस 7d फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2,
यानी आठ पद का औसत हमको निकालना है। तो जब आठ पद का योग दिया हुआ है बाबू हमारा 64, आठ पद का योग 64 दिया हुआ है, तो आठ से भागा दे देंगे तो 64 माने आठ, माने आठ पदों का एवरेज हमारा यहाँ से आठ निकल गया। फर्स्ट देखिए, जब आठ गो पद रहेगा बाबू तो पहला पद ए रहेगा, दूसर का ए प्लस डी, तीसर का ए प्लस थ्री डी, उसी तरह से आठवां पद रहेगा ए प्लस सेवन डी। इसका जब एवरेज निकालेंगे तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय टू, तो एन ए दिल है कुल योग, तो कुल योग दिल है तो संख्या से भागा दे दीजिए, एवरेज निकल गया। इसका मतलब है यहाँ से हो गया 2a प्लस 7d बराबर ये 8 × 16, ए गो कॉलम यहाँ से निकल गया बाबू समीकरण। दूसर का इधर बना देते हैं, दूसर का कह रहा था कि यदि प्रथम 19 पदों का, तो 19 पद जखनी हुआ होगा बाबू तो ए प्लस 18d बटे 2, तो औसत निकल गया। और उन्हें योग में अगर 18 से 19 से भागा दे देंगे तो योग 361 है, तो एकरों में क्या करेंगे 19 से भागा, तो 19 से भागा दे दिए तो 19 मरतबे कट गया। यहाँ से हमारा निकल गया 2a प्लस 18d बराबर 38। अब हमसे क्या पूछ रहा है बाबू इसका अंतर ना, तो अंतर जब पूछ रहा है क्वेश्चन में कह रहा है इस श्रेणी का सार्वंतर यानी डिफरेंस कितना है, तो ये वाला समीकरण यहाँ ले आइए ना, देखिए पटसीना बन गया 2a प्लस 18d बराबर हमारा 38 दिया हुआ था बाबू, ये घट गया देखिए तो ये हो गया 11d माइनस में बराबर, वहाँ भी माइनस में आ जाएगा 22, तो 11 × 22 माइनस माइनस ख़त्म हो गया बाबू, इसीलिए डी बराबर हमारा 2 हो गया। बहुत बेहतर तरीका है ये बनाने का। क्वेश्चन है बाबू दो अंकों की सभी विषम संख्या, तो दो अंकों के विषम संख्या का शुरुआत 11 होता है, 11, 13, और अंत कहाँ जाके होगा तो 99 पर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि दो अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग कितना है, तो किसी भी चीज़ का यदि योग निकालना है बाबू तो योग बराबर सिंपल सूत्र है एन इंटू एवरेज। आ एवरेज कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, बहुत सिंपल तरीका है। एन माने नंबर ऑफ के गो मेंबर है, और फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी एवरेज का सूत्र है, ये एवरेज में हम लोग पढ़े हैं। अब एन के गो है तो बताए थे कि इसको घटा देना, जितना का डिफरेंस है उससे भागा दे देना, तो घटावेंगे तो 88 आया, 2 से भागा दिए तो 44 हो गया, आ एक जोड़े पड़ता है क्यों भाई, तो इसको आप घटा दिए हैं तो 45 आ गया, कितना आ गया बाबू 45। अब फर्स्ट कितना है 11, आई कितना है 99, तो 11 99 के जोड़िएगा तो 110 बटे 2 यानी कितना हो गया बाबू 55। अब 55 में 45 से हम गुना कर लेंगे, 55 में 45 से गुना करेंगे तब 2475 हो जाएगा बाबू, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू 31 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन लिए हैं, ऑप्शन लेने का ज़रूरत था। कह रहा था कि तीन पूर्णांकें जो परस्पर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में, जिनका गुणनफल एक अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले तो इसका गुणनफल कभी अभाज्य होगा नहीं, 15 ही ख़त्म कहानी, 7 × 1 = 42 ख़त्म कहानी, तो वो इसी पर न शक है, तो तीन आवेगा, तो तीन तो अभाज्य संख्या ही मान लिए, लेकिन क्या रियल में समांतर है, तो हम बताए थे कि आगे वाला में से जब पीछे वाला को घटावेंगे, आगे वाला में से जब पीछे वाला को घटाएंगे तो हमारा सेम आना चाहिए डिफरेंस, तो ये देखिए -1 और +4 जब डिफरेंस निकाले बाबू तो 3 आया, यानी ये दोनों का डिफरेंस जो है 3 का है। अब +3 तो ये डिफरेंस बाबू 2 का है, लेकिन अब इसका डिफरेंस देखते हैं कि -1 - -1, तो इसका भी डिफरेंस आप देख लिए कि 2 हो गया,
तो जब दोनों जगह डिफरेंस बराबर हो जाए तो हम मानेंगे कि समांतर श्रेणी में है, यानी इसमें से इसको घटाएं तब भी दो आया, इसमें से इसको घटाएं तब भी दो आया, यानी जब समान अंतर हो तो उसी को तो समांतर श्रेणी कहते हैं। और गुणा करने पर एक अभाज्य संख्या 3 प्राप्त हो रहा है, यानी आपका आंसर ए नंबर ही है। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन 32 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है एन पदों का योग 3n² + 2n है, एन पदों का योग 3n² + 2n है, एन पदों का योग है माने एन तक के संख्या लिख के उसको जोड़ने पर इतना आता है, तो कह रहा आर्मा पद क्या होगा, यानी एन के जगह पर आर लगावेगा तो आर्मा पद कितना हो जाएगा, तो आर्मा पद कितना होगा, तो सबसे पहले तो एनमा पद क्या होगा ये तो हम लोग को मालूम नहीं, तो एन पदों का योग है, इतना तो जरूर है कि एनमा पद हम लोग निकाल सकते हैं, एनमा पद कितना है जे, तो कहिएगा कैसे, तो जब एन पदों के योग में से एन माइनस वन पदों के योग को घटा देंगे तो हमारा एनमा पद निकल जाएगा, तो एन पदों का योग है 3n² + 2n, इसमें से घटावे पड़ेगा किसको, तो अगर ये रहता 3 × n-1 इससे पहले वाला पद का और प्लस 2n-1 2 × n-1। अब इसको हल करेंगे तो 3n² + 2n ये वाला पार्ट को हल करना पड़ेगा, तो a² + 2ab + b² पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 से अगर हम गुना करेंगे तो ये स्क्वायरिंग है, तो 3 अभी ऐसी रहेगा a² + b² और -2ab माने 2n और प्लस ये न है 2n-2। अब देखिए 3n² + 2n - 3n² + 3 - 6n + 2n - 2। अभी देखिए जब माइनस ही सब हो गया है, ये रिजल्ट देख लीजिएगा बाबू, ये ब्रैकेट में है, ये अभी इसको ब्रैकेट तोड़ना बाकी है, तो आप 3n² जैसे ही माइनस होगा एक जगह कर लेते हैं चिन्ह को चेंज, 3n² - 2n - 3n² - 3 + 6n - 2n + 2, क्योंकि सब माइनस में है बाबू, ये देखिए खत्म हो गया 2n - खत्म हो गया बाबू, अभी बच गया क्या, तो 6n आई माइनस 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 6n-1, तो जिस समय कहेगा आर्मा पद तो 6r-1 हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 6r-1। देखो 6n-1 रिजल्ट आया कौन, तो एनमा पद, तो एनमा पद तो एन रखा गया, तो आर्मा पद आर रखा जाएगा, क्वेश्चन में पूछा था आर्मा पद क्या होगा। देखिए बाबू ये घनों का योग है, तो 15 का जो भी होगा, यानी कि घनों का योग n (n+1)/2² होता है, और जबकि इसका होता है n (n+1)/2, यानी कहने का मतलब है जो भी इसका वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर इन्हें कर देंगे, तो 15 का वैल्यू कितना होगा, तो 15 तक है, तो 15 × 16/2² आने 15 × 16/2 = 8 8 × 15 = 20 120 15 × 20 = 120 का स्क्वायरिंग ठीक है, तो हो गया 14280 आंसर हो गया बाबू। के बाबू क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद माने ए दिया हुआ है 6, सार्व अंतर माने डी 5 दिया हुआ है, इसका इग्रहमा पद यानी t11 पूछ रहा है, तो ये तो सूत्र आप लोग जानवे करते हैं, a + n-1
एन माइनस वन तो एन कितना है 11, तो 11 में से एक गया 10 इंटू डी इंटू डी एन माइनस वन इंटू डी तो 10 11 में से एक गया 10 और डी कितना है 5 तो 50 अच्छा 56 तो रिजल्ट हो जाएगा 56 निग्रहमा पद। 10 से 200 के बीच 7 से पूर्णतया विभक्त होने वाली संख्या, 10 से 200 के बीच इसका मतलब है 199 में भागा देंगे 7 से तो ये काउंट कर लेगा 1 से लेकर 199 तक की एगो संख्या है, लेकिन ये हमको 10 तक कह रहा है 10 से तो 10 में भागा देंगे 7 से तो ये 7 दूनी 14 2 उसके बाद 5 उतरा 7 8 56 28 माइनस 1 बराबर 27 गो, यानी संख्या के गो हो जाए बाबू तो 27 गो। देखिए बाबू क्वेश्चन है कि 200 से 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 तथा 6 से विभक्त हो, माने तीनों से कटने वाला होना चाहिए, तो तीनों से कटने वाला सबसे पहले 5 600 के बीच का रहा यानी 599 तक हमको निकाले पड़ेगा। कैसे तो कह रहा है 200 से 500 के बीच यानी में से 199 तक के हमको घटावे पड़ेगा, कैसे कटे वाला तो 4 5 6 ये तीनों से कटे वाला एक एलसीएम होता है बाबू, तो 4 5 6 के एलसीएम निकालिएगा तो 4 5 20 बीती यही 60 आवेगा। इसका मतलब है कि 60 से कटने वाला जो संख्या रहेगा वो 4 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा 6 से भी कटेगा, तो हमारा 60 से भागा देंगे। देखिए ये बीच कहा है बाबू, ध्यान दीजिए ढेर के एक का डिफरेंस आंसर इसीलिए आता है कि उत्तर का बना दीजिएगा, 600 अगर लीजिएगा तो एगो बढ़ जाएगा क्योंकि 10 मरतबे कटेगा, लेकिन यहाँ हम देखिए 9वें मरतबे कट रहा है, यहाँ 6 दुनी 12 6 18 3 गो यानी 9 में से 3 गया आंसर 6, बहुत लोग के 7 आ जाता होगा जो कि गलत आंसर होगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 37 है बाबू, 31 से 61 के बीच सभी समप्राकृत संख्या का योग, तो 31 से 21 से 61 के बीच में, तो 21 से 61 के बीच में 22 से शुरू होगा 24 होगा और 61 के बीच यानी 26 ऐसे करते हुए ये कहाँ तक जाएगा 60 तक, तब आपसे पूछ रहा है कि इसका योग कितना होगा, तो योग बराबर तो हम लोग जानते हैं कि n इंटू एवरेज होता है, आ एवरेज का मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है बाबू, तो एन के गो तो बताए थे कि इसमें से इसको घटाइएगा तो 38 आवेगा, 2 उसका डिफरेंस है तो 2 से भागा तो 19, एकर मतलब संख्या है 20 गो एक बढ़ के गुना, फर्स्ट वाला तो 22 हो गया तो दूसरा कितना हुआ 60 तो हो गया बाबू 82, 2 से भागा देंगे 10 इसका मतलब 820 यानी जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 820। देखिए बाबू 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 + 3 + 5 ऐसी करके 3983 तक गया है, अब भागा दिया है 1992 से, कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले आप जानिए इसका योग निकालने के लिए आप लोग के पास सूत्र है एन इंटू एवरेज यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, एगो पहले से है 1992 से भागा बाबू। अब ध्यान रहे एन का वैल्यू कितना होगा, तो हम बताए थे इसमें से एक घटा दीजिए पहले, तो एक घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, एक घटाइएगा 2 से भागा, डिफरेंस है 2 का, 2 से भागा दीजिए तो 19 2 38 फिर 9 2 18 एक, तो 1991 होगा लेकिन एक बढ़ के, तो 1992 आ गया बाबू, जो डाटा आपको देखिए दिल है अगुना, ये देखिए फर्स्ट और लास्ट का योग कितना होगा तो 3984 आ जाएगा बाबू, देख लीजिए फर्स्ट और लास्ट का योग, क्योंकि ये तो n बराबर निकला, n बराबर कैसे निकला तो ये दोनों को घटा के डिफरेंस से भागा जोड़े, और ये 2 तो ऑलरेडी है ही है
तो ये दू रहेगा 1992 कट गया बाबू, अब बच गया ये दू से भागा दीजिए, तो ये 19 दूनी 38, 9 दूनी 18 दू, यानी आंसर हो गया 1992। देखिए बाबू 39 नंबर क्वेश्चन, 5, 10, 20, 40 ऐसी 1280 तक गया है, तो कह रहा है कि बताइए 1280 कौन सा पद है। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए बाबू कि ये देखिए ये दुगना होते जा रहा है, गुना दू है, यानी कि आर का मान यहाँ पर कितना होगा, तो बताए थे आगे वाला हम पीछे वाला से भागा देंगे तो दू हो गया, यानी आर बराबर दू है, आर बराबर दू है, ए बराबर बाबू आपका 5 है, टी एनवा पद दिए हुए है 1280। तो इसमें आप लोग को टी एनवा पद बराबर सूत्र था ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन बराबर टी एन। तो देखिए ए का वैल्यू तो 5 है बाबू, आर का वैल्यू 2 है, तो 2 के पावर एन माइनस वन बराबर टी एन 1280 है, 1280/5, 5 × 2 = 10, 5×5 = 25, 5×6 = 30। अब देखिए बाबू 2 के कितना पावर किया जाए कि 256 हो जाए, तो 2 के पावर यहाँ तो n माइनस वन है, लेकिन यहाँ कितना करेंगे कि 2 के पावर 256 हो जाए, क्योंकि बेस बराबर होता है तो पावर भी बराबर होगा। तो जब 2 के पावर हम लोग 5 देते हैं तो 32 होता है, 6 = 64 होता है, 7 देते हैं तो यानी 8 है, तो 2 के पावर 8 है बाबू, तो बेस बराबर तो पावर बराबर, तो n माइनस वन बराबर 8 है, इसीलिए n बराबर हमारा कितना हो जाएगा बाबू, तो 9, क्योंकि ये जब 9 रहेगा तब ना 9 में से एक जाएगा तो 8 आवेगा। क्लियर है बाबू? देखिए बाबू k माइनस 2, 2k + 1, 6k + 3 जीपी में है, तो कह रहा है k का मान कितना होगा। जीपी में हमेशा आगे वाला डाटा में पीछे वाला डाटा से जब भागा देते हैं, जिस तरह से एपी में घटाते थे बाबू, उसी तरह से जीपी में जब भागा देते हैं, तो हमारा इसमें जब भागा देंगे किससे, 6k + 3 से, मैं भागा देंगे 2k + 1 से, तो हमारा क्या आना चाहिए दोनों तरफ बराबर। अब बाई ऑप्शन आप लोग क्लियर कर लीजिए, देखिए बाई ऑप्शन में क्या होता है कि आप रफ में वर्क कीजिए, तो जैसे ही डी नंबर ऑप्शन हम लोग 7 लेंगे, तो 7 × 14 = 15, तो 15/5 होगा, तो इसका वैल्यू 3 हो जा रहा है बाबू। आ इधर भी देखिए 6×42 = 3, 45 हो जाएगा, और 7 × 14 = 15, इधर भी 3 हो जा रहा है, यानी कहने का मतलब है कि डी ऑप्शन में के का मान कितना दिया हुआ है, 7, तो आपका आंसर 7 हो जाएगा।